certainly that I've been getting money in the environment that I'll be currently studying, it's still the other part of the study. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لا تقربوا الصلاة والكفار لله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات دوستو سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بات ضروری ہے بیان کرنا کہ ہمارے مجلس صاحب کے گھر میں سامعین عید کے تیسرے دن ہوا ہے کیونکہ بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہمارا سب سے پہلے کل بدہ ہی کرانا ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں جناب رضی صاحب کی خدمت میں اور مرحوم مقبول جن کا انتقال ہوا ہے ان کے درجات کے عالی و متعلی ہونے کے لیے سب دن کر ایک سورہ مبارک ہے فاتحہ کی تلاوت فرمائیں اور اتنی اسپیڈ سے جناب والا کہ ادھر جا رہا ہوگا وہ ادھر جا رہا ہوگا تو اسی چیز
देखते हुए, इस मंजर को देखते हुए, शहर में और अपने हालात को देखते हुए अब खुलासा करना चाह रहे हैं इस बात के लिए, तुम दिए बात मुखालिफ, जो सिमत मुखालिफ से तूफानी हवा आ रही है, ना घबराए ओका, ओका परिंदे को कहते हैं। शायर ने इस परिंदे को देख के कहा, तुम दिए बात मुखालिफ से ना घबराए ओका, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कितनी उलमा की मुखालिफीन मिट गए, बर्बाद हो गए, रसूल के मुखालिफत तबाह बर्बाद हो गए। अबू सुफयान कितने अबू अबू सब गायब हो गए, घबराए मत। तो ये जो बेचैनी है दुश्मनों के खेमे में, ये कुछ मुश्ता दे रही है कामयाबी और कामरानी के लिए, क्योंकि उनका बेचैन ना होना, बगौल इमाम खुमैनी के, जब अमरीका तुमसे खुश हो तो तुम गमगीन हो जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ है मामला भी जिससे वो खुश हो रहा है, तुम गमगीन हो जाना, हतमन कोई नुकसान तुम्हारा है, और जब अमरीका गमगीन हो तो तुम खुश हो जाना, हतमन तुम कुछ ऐसा काम अंजाम दे रहे हो कि जिसको नुकसान है। बहुत बड़ा फलसफाना जुमला है, इसके ऊपर अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत बड़ा फायदा वहां इस जुमले के अंदर जनाब दे दिया। तो दोस्तों अजीजों, जो हालात गुजर रहे हैं, उस हालात का एक इलाज ये भी है, खुदा सलामत रखे हमारे फखरुल हसन रिजवी साहब, बहुत से काम अंजाम दे रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी एक हमने सेमिनार कर रहा था यहीं पर, बहुत से लोगों को इस बात की खबर नहीं है, वाकई बॉम्बे के सफरिंग के ऊपर बहुत बड़ा मसला है घर का। हमारे बहुत से और मैं इकराम उस प्रोग्राम में मौजूद थे सेमिनार में, हमारे अशरफ भाई भी मौजूद थे, इमाम जुमा मलाड, यहाँ तक मुबारक से भी जना, ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। बम्बई गांव देहात की बात नहीं है, ये शहर है बम्बई की बात है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार और बैठा, बेशक बड़ी मुश्किल से होता है, जिनकी सलामती के लिए, उनके घर के अफराद की सलामती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनके फुलूर होने के लिए, एक बाबा से बयान सलावात कहते हैं। ये बात क्या है कि अपनी बात को तमाम करने की तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मिंबरों से अगर ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक है, तो नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चलता है। जवाब जाहिला बादशाह खामोशी, ये भी एक मिसरा कहा जाता है, नहीं, अब खामोश रहने का भी बात नहीं है, तकल्लम कहता और अब बात करो तकल्लम जाने का। हमने जो बुजुर्गान वर्तमान उनसे कई मरतबा ओपन मीटिंग में मैंने जनाब मजलिस में गुरना में मैंने कहा कि अब जबान खुलने का वक्त आ गया है, घर घरों में प्रॉब्लम हो रहा है, अब फिर ऑल ओवर इंडिया इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर होकर उलमा का एक बयान आना, मुख्तलिफ खेमों में बढ़ जाने से कुव्वत भी खत्म हो जाएगी और बात भी बिखर जाएगी। एक प्लेटफॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र, नजर बस से भी हमारा शहर बंबई उलमा के दरमियान अंदर इतिहाद है, बचा हुआ है, दूसरे और मकाम के ऊपर ऐसा नहीं नजर आता। निचले बच्चों का दुश्मन बहुत मोहकम होकर कुछ बड़े शहरों में बड़ा जबरदस्त तरीके से हमला आवर है, तो जरूरी है कब इसके लिए हालात हमारे हाथ से निकल जाए, देर हो जाए, हमें बेदार होना और हमें कुछ करने की बहुत सख्त जरूरत होती है। यारा ने तेजगाम ने मंजिल को पा लिया, हम महबे साफ के जरस से कार पा रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना है, बल्कि कुछ न कुछ करना है इंशाअल्लाह। बस उस पर जो ये तौफीक इनायत कर दी, दुनिया में बहुत से पैसे बने, बॉम्बे के अंदर में करोड़पति भरे हुए हैं, बहुत से मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, मगर ना उनको खुद जानते खानदान वाले, ना उनके गली वाले, ना उनके घर वाले सही तौर पर उनको पहचान पाते हैं, और परवरदिगार आलम के फजल करम से किसी को अगर अल्लाह ने दिया है और सही रास्ते के ऊपर अगर खबर हुई है, उससे पहले इजिप्ट में जनाब लीबिया में इमाम हसन मुश्तबा सलाम के पोते की कब्र को रोजा था, बहुत बड़ा रोजा था, वास्तव में कुंभ जैसा रोजा था, पूरे बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक तरीके से जलाने वाला मामला आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग
बेवकूफ़ी में कहते हैं हम दीवारों से और मिट्टी से हमारी मोहब्बत थोड़ी, अरे बेवकूफ़, अल्लाह ने कहा सफ़ा मरवा को मिलकर अल्लाह, जो भी चीज़ें मंसूब हो जाती इन हस्तियों से वो शायद अल्लाह में सो जाती हैं, चाहे वो जनाब जैनब के रोजे की दीवार की ईट क्यों ना हो। तो दोस्त इसमें जनाब जब तक हमारे जिस्म में चाहिए दो दो तीन तीन बेड है, यूपी में घर में कोई जरा सा बात आ गई थी हल्की से हवा चलती, फौरन क्या हुआ, अभी कैसी हवा चल रही है, अभी क्या हाल हो रहा है, अभी क्या आम गिरा, अभी क्या बारिश हुई, अल्लाह अकबर, इन फजूल चीजों के सिलसिले में फौरन जनाब हम बेचैन हो जाते हैं। जनाब जैनब के रोजे के ऊपर हमसे क्या मतलब, नहीं कोई अगर ये बोले तो मोहित कह देगा नहीं होगा। ये बेचैनी ने इस बात की दलील बताई कि ये मेरा वादा है, और ये बेचैनी नहीं बताती है। इस इत्तेफाक से अगर आप देखें क्या 61 डिग्री में क्या सिर्फ 72 शमशेर नामा खुदा मुझे आलम से ये इल्तिजा है, ये अहले बैत ने बहुत फाइली ने फौरन सवाल कर लिया, मौला ईद का दिन है, तमाम दुनिया सब खुश हो रही है और आप काला कपड़ा पहने हुए हैं, हम सब अरब वाले जश्न में लाल कपड़ा पहनते हैं और आप काला कपड़ा पहने वाला था, ऐसा क्यों, तो जानते हैं हमारे यहाँ का क्या जवाब है, एक हिंदी तुमने सर जब मुसलमान जब भी ईद मनाते हैं तो लाल कपड़ा पहनने के लिए पड़ता है, हम कैसे गुलाबी और लाल कपड़ा पहने, दादी को तमाचा किसी ने मारा था, मेरी दादी को किसी ने तमाचा मारा तो मैं अपना पोता हूँ अभी तक बदला नहीं ले सका, मैं पोता होके अभी तक बदला नहीं ले सका, मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगा उस वक्त तक मेरी ईद नहीं है, इसलिए हम किसी भी ईद में ईद नहीं मनाते हैं, ना बहनी हम हमेशा गमजदा रहते हैं और कब्र पर जाके दादी के रोते रहते हैं, ये अल्लाह से दुआ करें कि खुदा जल्द अज जल्द ज़ुहूर की इजाजत दे ताकि हम एक एक बदला ले सके और बदला लेने के बाद इन खबीसों को वास में जहन्नम कर सके। वाला लानतुल्लाह अलल कौम अज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्युहुम मुनतक़िमून। दोस्तों अज़ीज़ों दुआ के साथ साथ इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह आखिरी में आज़म 10 मरतबा कहें या अल्लाह जनाब ज़ैनब जनाब सकीना इतने रौबा हैं मुकद्दसा बहुत अजीम अजीम रोज हैं दोस्तों, तमाम रौबा हैं मुकद्दसा के परवरदिगार आलम हिफाजत फरमा परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जितने भी मोमिनीन हमारे रोजे को बचाने मोबा मोमिनात बहुत से हमारी खवातीन भी पहुँची हुई हैं जो मोमिनात बचाने के लिए पहुँची हुई जनाब ज़ैनब जनाब सकीना और रौबा मुकद्दसा को परवरदिगार आलम उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा जितने दुश्मन खसूसियत के साथ इस मुल्कों को जो पहुंचे हैं इन सबों को नीस तो नाबूद फरमा, खसूसियत के साथ अमरीका और इसराइल ब्रिटिश और खास करके आल सऊद और कतर और तुर्की ये सब खबीस लोग बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर है, परवरदिगार आलम इन सबों को अगर काबिल इस्तेमाल तो नीस तो नाबूद फरमा, परवरदिगार आलम के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे आपा इमाम ज़माना के ज़ुलूम में तआदील फरमा, अल्लाह ज़ुलूम के आवाम